आप हमें बिना बताए यहां उद्यान में चली आई महारानी। महारानी, आप किन विचारों में खोई हुई हैं? महाराज, आप अपने राजकाज में इतने अधिक व्यस्त हो गए कि आपको अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्री पार्वती का स्मरण नहीं रहा। ये आपने क्या कह दिया महारानी? मेरे जीवन का तो एक भी क्षण ऐसा व्यतीत नहीं होता जब मैं अपनी प्रिय पुत्री पार्वती का स्मरण ना करूं। स्वामी, कितनी आराधना तथा प्रतीक्षा के पश्चात परमदेव श्री महागणेश की कृपा से हमने पार्वती को प्राप्त किया था, परंतु जब से पार्वती पति ग्रह गई है हमें भूल ही गई है। स्वामी, मेरा मन पार्वती से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। चलिए स्वामी, यदि वो हिमाचल लौटने की इच्छुक नहीं है तो हम चलकर उससे मिलते हैं। श्री महागणेश ने तो कहा था कि वे कैलाश की ओर जा रहे हैं, किंतु कैलाश पर तो उनका एक भी परम पावर चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता। भगवान भोलेनाथ अपनी समाधि में लीन है और माता पार्वती भी दिखाई नहीं दे रही है, तो कहां गए होंगे परमदेव श्री महागणेश? नारायण नारायण। हे परमदेव, हे परमदेव, आपके दर्शनों के लिए मेरी अभिलाषा बढ़ती ही जा रही है। कृपा कर मुझे दर्शन दें श्री महागणेश, मुझे दर्शन दें। नारायण नारायण। नारायण नारायण। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायण नारायण। भला इस नारद के सौभाग्य में ऐसी कौन सी बाधा आ गई है कि संसार की महाशक्तियां उसे आशीर्वाद देने की इच्छुक नहीं है? नारायण नारायण। श्री महागणेश भी माता के कक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं। देवर्षि नारद, देवर्षि नारद,
जय जय श्री महागणेश। आप मुझे ढूंढ रहे हैं ना देवर्षि, परंतु मैं ढूंढने पर भी आपको दिखाई नहीं दूंगा। नारायण नारायण, ऐसा क्यों प्रभु? क्या आप अपने आशीर्वाद से इस नारद के सौभाग्य कोष में वृद्धि करने के इच्छुक नहीं हैं? बात ये नहीं है देवर्षि। नारायण नारायण, श्री महागणेश, तो बात क्या है? देवर्षि, आपको भली भांति ज्ञात है कि माता पार्वती के पुत्र के रूप में मेरे दिव्य अवतार धारण करने का समय अब निकट आ गया है। नारायण नारायण, जय जय श्री महागणेश। आपके दिव्य अवतार धारण की प्रतीक्षा तो ये संसार ना जाने कब से कर रहा है प्रभु, किंतु मेरा कहा आप क्षमा करें। आपके अवतार धारण करने से मुझे दर्शन ना मिलने का क्या संबंध है प्रभु? संबंध है देवर्षि। अब मेरे प्रत्यक्ष दर्शन माता पार्वती के पुत्र रूप में दिव्य अवतार लेने तक किसी के लिए संभव नहीं होंगे। मैं समझ गया प्रभु, अर्थात आपके अवतार धारण करने का शुभ अवसर अति निकट आ गया है। नारायण नारायण। किंतु परमदेव, क्या आपने माता पार्वती को आश्वस्त किया है? हमने अपने वचन का पालन किया है, किंतु आप हमारे वचन पर शंका क्यों कर रहे हैं देवर्षि? नारायण नारायण, शंका नहीं प्रभु, ये तो मैं जिज्ञासावश आपसे पूछ रहा हूँ। भला आपके वचन पर शंका करने का दुस्साहस ये दीनहीन नारद कैसे कर सकता है? किंतु प्रभु मैं। किंतु क्या देवर्षि? हे श्री महागणेश, यदि आपने माता पार्वती को आश्वस्त किया होता तो माता पार्वती इस समय ध्यान में खोई ना रहकर आपको पुत्र रूप में पाने के आनंद से आनंदित होती। कैलाश पर शांति एवं निरवता के स्थान पर माता का ममतामय स्वर गूंज रहा होता। नारायण नारायण। उद्विग्न ना हो देवर्षि, देवाधिदेव महादेव का यह कैलाश शीघ्र ही माता और पुत्र के अलौकिक और निश्चल प्रेम का साक्षी बनेगा। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, इतना तो आप बता दें कि ये शुभ सूचना सुनकर भी माता पार्वती किस ध्यान में खोई हुई हैं? हमारे ही ध्यान में खोई हैं देवर्षि, परंतु विधि के विधान के अनुसार हम माता पार्वती के गर्भ से अवतार नहीं लेंगे। नारायण नारायण। अर्थात श्री महागणेश, हमारा अवतार विचित्र परिस्थितियों में होगा देवर्षि। विचित्र परिस्थितियों में प्रभु? अर्थात? विचित्र परिस्थितियों का रहस्य हम इस समय आपको बताने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि रहस्य बता दिया गया तो उसकी विचित्रता का अंत हो जाएगा। नारायण नारायण। परमदेव, इस जिज्ञासु नारद पर कुछ तो कृपा करें, अन्यथा आपके रहस्य को जानने के चक्कर में इस नारद के हृदय को शांति नहीं मिलेगी। देवर्षि, इस समय तो आप अपने चित्त की शांति के लिए इतना ही समझ लें कि हमें उन विचित्र परिस्थितियों को उत्पन्न करने का उपाय शीघ्र ही करना होगा। शीघ्र? अर्थात? अर्थात आपके प्रश्नों से मुक्ति मिले तो हम विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न करने का उपाय करें। नारायण नारायण, क्षमा क्षमा श्री महागणेश, क्षमा। हम विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न करने जा रहे हैं देवर्षि। विचित्र परिस्थितियां भी महागणेश की लीला का ही एक अंग थी। श्री महागणेश की इस लीला का सीधा प्रभाव देवी पार्वती के माता पिता पर होना निश्चित था। महागणेश ने पार्वती की माता महारानी मैना को इतना व्याकुल कर दिया कि वे निरंतर पार्वती के विषय में सोचने लगी। महारानी मैना की अत्यधिक व्याकुलता को देखकर निश्चित ही हिमालय राज का चिंतित होना स्वाभाविक था। चिंतित हिमालय राज मैना को ढूंढते हुए उद्यान में पधार रहे हैं। महाराज हिमालय आज ये उद्यान में पधार रहे हैं। आप हमें बिना बताए यहाँ उद्यान में चली आई महारानी? महारानी, आप किन विचारों में खोई हुई हैं? महाराज, आप अपने राजकाज में इतने अधिक व्यस्त हो गए कि आपको अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्री पार्वती का स्मरण नहीं रहा। ये आपने क्या कह दिया महारानी? मेरे जीवन का तो एक भी क्षण ऐसा व्यतीत नहीं होता जब मैं अपनी प्रिय पुत्री पार्वती का स्मरण ना करूं। स्वामी,
कितनी आराधना तथा प्रतीक्षा के पश्चात परमदेव श्री महागणेश की कृपा से हमने पार्वती को प्राप्त किया था, परंतु जब से पार्वती पति ग्रह गई है हमें भूल ही गई है। स्वामी, मेरा मन पार्वती से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। चलिए स्वामी, यदि वो हिमाचल लौटने की इच्छुक नहीं है तो हम चलकर उससे मिलते हैं। किंतु महारानी, बिना शिव शंकर की इच्छा के हमारा कैलाश जाना उचित न होगा। शिव शंकर की इच्छा के बिना हम कब तक अपनी पुत्री से दूर रह सकते हैं? शिव शंकर की इच्छा का ज्ञान हमें कैसे होगा? महारानी, महादेव सर्वज्ञ हैं, निश्चित ही उन्हें हमारी व्याकुलता का ज्ञान होगा। आप धैर्य धारण करें महारानी, शिव शंकर की कृपा से हमें कैलाश जाने का निमंत्रण अवश्य ही प्राप्त होगा। अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्री पार्वती से मिलने के लिए अब मैं और धैर्य धारण नहीं कर सकती। स्वामी, ये तो लोक परंपरा है, माता पिता अपनी पुत्री से मिलने के लिए कभी भी जा सकते हैं। आपने सत्य कहा महारानी, लोक परंपरा के अनुसार माता पिता को विवाह के पश्चात अपनी पुत्री से मिलने में कोई बंधन नहीं है। किंतु महारानी, हमने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह इस लोक में नहीं उस लोक में किया है, जहां तक पहुंचने की आस में ऋषि मुनि भी कई कई युगों तक साधना करते रहते हैं। प्रणाम महाराज। क्षमा करें महाराज, हम अपनी उद्विग्नता पर नियंत्रण न रख सके, असमय यहाँ आने के लिए हमें क्षमा करें। पार्वती की प्रिय सखियों जया और विजया, ऐसी कौन सी उद्विग्नता थी जिसके कारण आप दोनों को इस समय हमारे सम्मुख उपस्थित होने का निर्णय लेना पड़ा? महाराज, अपनी प्रिय सखी पार्वती से मिलने के लिए हमारा मन अत्यंत व्यग्र है। हाँ महाराज, सखी पार्वती के बिना हमारा जीवन शून्य दिखाई पड़ रहा है। हमें अपनी प्रिय सखी पार्वती से मिलने के लिए कैलाश जाने की आज्ञा दे महाराज। हम पर कृपा करें महाराज, यदि शीघ्र हमें प्रिय पार्वती के दर्शन ना मिले तो हम व्यग्रता में अपने प्राण त्याग देंगी। जया, विजया, महारानी मैना भी इस समय पार्वती से ही मिलने की बात कर रही थी, क्या तुम दोनों को हमारे वार्तालाप का ज्ञान था? नहीं महाराज, हमें आपके वार्तालाप का तनिक भी ज्ञान नहीं था। सत्य तो ये है महाराज कि कई दिनों से हम कैलाश जाने की योजना बना रहे थे, परंतु आपसे आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं हो रहा था। हमें आज्ञा दे महाराज, हम प्रिय सखी पार्वती से बिना मिले अब जीवित नहीं रह सकेंगी। महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि शिव इच्छा के कारण ही जया विजया के भीतर पार्वती के दर्शनों की व्यग्रता जन्मी है। इन्हें आज्ञा दे महाराज, इनके कैलाश जाने से हमें शिव शंकर की इच्छा का ज्ञान प्राप्त होगा। शिव शंकर की इच्छा का तो प्रश्न ही नहीं है महारानी, हम तो शिव जी की आज्ञा लेकर प्रिय सखी पार्वती को यहाँ लेकर आएंगे। जया, पार्वती शिव से अभिन्न है, संभव है शिव शंकर पार्वती को यहाँ भेजना स्वीकार न करें? ऐसी स्थिति में तुम मुझसे निवेदन करना कि हम दोनों भी पार्वती से मिलने को व्यग्र हैं। आप धन्य हैं महारानी, कैलाश जाने की अनुमति देकर आपने हमारे प्राणों की रक्षा कर ली। आपकी जय हो महाराज, आपकी जय हो महारानी। परमदेव श्री महागणेश की कृपा का चमत्कार देखा आपने? परमदेव श्री महागणेश की कृपा से पुत्री पार्वती से मिलने का मार्ग स्वयं ही बन गया। स्वामी,
बहुत लंबे समय तक मौन हैं, न जाने किन गंभीर विचारों में खोए हैं। क्या मैं आपकी इस गंभीरता का कारण जान सकती हूँ? देवी सरस्वती, कभी कभी हम अपने बनाए विधान पर स्वयं ही चकित हो जाते हैं। इस समय हम आप त्रिदेवियों के विषय में ही विचार कर रहे थे। हम त्रिदेवियों के विषय में सोचने की क्या आवश्यकता पड़ी है स्वामी? नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। प्रणाम माता। तुम जो जिज्ञासा लेकर ब्रह्मलोक आए हो नारद, वही जिज्ञासा देवी सरस्वती के मन में भी उठ रही है। नारायण नारायण, तब तो परमपिता मेरी जिज्ञासा का निश्चित ही समाधान हो जाएगा। नारायण नारायण। चतुर नारद, देवी सरस्वती की आड़ में तुम अपनी जिस जिज्ञासा का शमन करवाने के इच्छुक हो, वो तो श्री हरि विष्णु पहले ही कर चुके हैं। अब उससे अधिक तुम हमसे क्या जानने के इच्छुक हो नारद? देवर्षि, आप श्री हरि विष्णु के श्रीमुख से हम त्रिदेवियों के विषय में क्या सुनकर आए हैं, तनिक मुझे भी तो बताएं। नारायण नारायण। परमपिता, इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही दें, कृपया मुझे इस धर्म संकट में ना डालें। नारायण नारायण। सत्य तो यही है परमपिता, कि मैं यही ज्ञात करने आया था कि आपने त्रिदेवियों के विषय में ऐसा विचित्र विधान क्यों बनाया है। नारद, अपने अज्ञान में तुम हमारे द्वारा निर्मित विधान को विचित्र कहकर हमारी उपेक्षा कर रहे हो। क्षमा परमपिता, क्षमा। परमपिता, अपनी जिज्ञासा की उद्विग्नता में मुझसे भूल हुई है। मेरी भूल पर मुझसे रुष्ट ना हो परमपिता, मुझे अज्ञानी और मूढ़ बुद्धि समझकर क्षमा करें। परमपिता, मुझे क्षमा करें। नारद, परम देव श्री महागणेश की इच्छा संसार में हर विधान, प्रकृति, धर्म, सभ्यता, संस्कृति और संसार के हित में ही निर्धारित किया जाता है। इस कारण त्रिदेवियों के संबंध में निश्चित विधान पर प्रश्न अथवा तर्क करना अनुचित है। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु ने तुम्हें प्रतीक्षा करने का परामर्श दिया था ना? श्री हरि के परामर्श को आदेश मानकर प्रतीक्षा करना ही तुम्हारे लिए उचित होगा नारद। जो आज्ञा परमपिता। प्रणाम माता। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मदेव, देवर्षि नारद भी अधूरी बात कहकर चले गए, अब आपको मेरी जिज्ञासा का समाधान करना ही होगा। देवी सरस्वती, अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए आपको श्री महागणेश के दिव्य अवतार धारण करने तक प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसा क्यों स्वामी? ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, हम इस समय आपकी जिज्ञासा का शमन करने में विवश हैं, और हमें विश्वास है आप हमारी व्यवस्था को अन्यथा नहीं लेंगे।